हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 111. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि आप अभी किस सिचुएशन में हैं और आपको किस बात की गाइडेंस की ज़रूरत है. अगर आपको ऐसा खुद से लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है और जो भी सिचुएशन मैं इन कार्ड्स को देखकर जो भी डिवाइन की तरफ से आने वाला है और आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, सो बी थैंकफुल टू मदर यूनिवर्स. मदर यूनिवर्स को थैंक यू करें, आप जिन भगवान को मानते हैं उन्हें थैंक यू करें और फिर आप कोई अदर रीडिंग भी हमारे चैनल से देख सकते हैं या फिर किसी और चैनल से आप जाकर देख सकते हैं. आज की जो ये रीडिंग है फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है. सो ये मैं सारे साइंस के लिए कर रही हूँ, सन मून साइंस, और जो भी इम्पॉर्टेंट साइंस आएंगे मैं उसे डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि ये साइन अभी इम्पॉर्टेंट है. और अगर सिचुएशन जो भी कार्ड्स में आते हैं अगर आपसे रिलेट करते हैं, सो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये रीडिंग आपके लिए है. सो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करके हम शुरू करते हैं रीडिंग और हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी है और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में. करेंटली आप अच्छे सिचुएशन में हैं या फिर किसी सिचुएशन में स्टक है या फिर कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे लोग इसे देख सकते हैं. यहाँ पे कोई जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है तो कोई भी पर्सन इसे देख सकता है. आप सबसे इसे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स और ये टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हीलर ऑफ द एजेस 111. हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे दो और चैनल्स के बारे में भी दिए गए हैं फ्रेंड्स. हमारा जो दूसरा चैनल है 111 टैरो, उस पर हम टैरो रीडिंग करते हैं इंग्लिश में. सो अगर कोई ऐसे हैं जिन्हें ऐसे रीडिंग्स पसंद है तो वो वहाँ से भी रीडिंग्स देख सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं और फिर हम देखेंगे कि आपको क्या एडवाइस मिलता है इस अप्रैल के महीने में. ओके, सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इसे देख सकते हैं. ओके, थैंक यू, लेट्स बिगिन. ओके, ये कार्ड यहीं रह गया, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड. ओके, पहला ही कार्ड आया है फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ. ओके, पास्ट लाइफ यानी कि पर्सन, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है या हो चुकी है जो आपके पास्ट लाइफ से यानी कि इस जन्म से, जो पहले जन्म आपका था वहाँ से आपकी लाइफ में आए हैं. और ये एक ऐसे पर्सन है जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ महीनों में. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, यू वॉन्ट अ डिरेक्शन इन योर लाइफ. सो हो सकता है कोई पास्ट पर्सन ऐसे आपके लाइफ में आए एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ गाइड, जो आपकी लाइफ को एक मीनिंग दे सके. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पोस्टपोनमेंट, नंबर 4. सो फ्रेंड्स, ये कार्ड हमें बताता है कि अगर मैं आपकी अभी वर्क लाइफ की बात करूं तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हो जिससे आपको लगता हो कि मैं अगर ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करूँ आपकी वर्क लाइफ में सो हो सकता है फ्यूचर में और अच्छा हो, उसे मैं मिस कर जाऊं. इस वजह से आप अपने काम को टाल रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई नया चीज़ इनिशिएट करना चाहते हैं अपने वर्क पे तो आप वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और टाइम देते हैं खुद को और ये थोड़ा और करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं किया है, आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है और सिर्फ आप सोचते हैं इस बारे में. आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ, ये भी आपकी फीलिंग्स में आती है. आप कुछ सही आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं कि
मैं जो भी सोच रहा हूँ वो हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा कभी कभी होता है कि हम जो एक्चुअली में सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सबसे बेस्ट चीज़ आपके लाइफ में होने वाली हो। कभी कभी जब हम कुछ चीज़ विश करते हैं ना, हो सकता है उससे बहुत बेटर चीज़ हमारे लाइफ में आने वाली हो, बट हो सकता है इसकी शुरुआत थोड़ी टफ हो, जिसे हमें देख के लगे कि पता नहीं कदम आगे बढ़ाना चाहिए या फिर कदम पीछे ले लेनी चाहिए। बट अगर आप में वो हिम्मत है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, तो आप एक्सेप्ट करें अपने वर्क लाइफ में। डेफिनेटली आप कुछ महीनों बाद और कुछ टाइम के बाद अपना आउटपुट देख सकते हैं। हाँ देखिए, अभी मैं आपको बता रही थी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे थे, और आपके पास लाइफ से कोई आने वाला है। सो हमारे पास कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप अगर अभी तक डिसीजन के बारे में सोच रहे थे, आप अगर ऐसा आपको लग रहा था डिसीजन के बारे में सोच कर कि डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, सो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस मंथ ऑफ अप्रैल में। मैं आपको ये भी बता दूँ कि 5 बड़े ग्रहों का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे सारी राशियों के लिए, सन मून। सो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में जो आने वाला है, ऐसा नहीं है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मे बी स्टार्टिंग थोड़ी सी रफ लगे आपको, थोड़ा आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, पर जैसे जैसे आप स्लो में बहते जाएंगे और एडजस्ट करते जाएंगे, कहते हैं ना गोइंग विद द फ्लो, अगर आप वैसे अपने आप को लेते जाएंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अच्छा आउटपुट आपकी लाइफ में लेकर आएगा। चलिए देखते हैं एक और कार्ड, मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ। मैं एक और कार्ड लूंगी फिर हम कार्ड्स देखेंगे टैरो से। कार्ड आया है पेशेंस का। सो फ्रेंड्स अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जिन्हें लगता है कि पता नहीं कोई चीज़ इतनी लेट क्यों हो रही है, या फिर यार मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ इस चीज़ों का, ये तो हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता ना कि आप कोई सीड को किसी मिट्टी में देते हैं और 2 मिनट में प्लांट और फ्रूट्स और उसके फल सब चीज़ ब्लॉसम कर जाए। उसे टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। 1 महीने में आप देखते हैं थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, फिर 2 महीने बाद देखते हैं हाँ थोड़े से उसके ब्रांचेस बन रहे हैं, फिर आप देखते हैं न्यू फ्रेश लीव्स आ रही है, फिर एक बर्ड आता है, फिर उससे फूल होता है। सो इट टेक्स टाइम। सो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में जो होने वाली है वो डेफिनेटली होगी, जैसे कि किसी पास्ट पर्सन का आना, किसी जॉब का आना, एक ट्रांसफॉर्मेशन का होना। बट इन सब में ज़रूरी है कि आपके पास पेशेंस कितना है। अगर आप अपने पेशेंस को सही रखेंगे फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली ये तभी आपके लाइफ में काम करेगा। और अगर ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके अंदर थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं है, तो ये आपके लिए टफ होने वाला है। ठीक है, सो अपने पेशेंस को बनाए रखें। अगर कोई ऐसे रीडर है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी की, सो डेफिनेटली अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक बेबी हो, सो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में हो सकता है किसी बेबी के आने की गुड न्यूज़ मिले, या फिर बेबी होने वाले होंगे आपकी लाइफ में। और अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो आपकी क्रिएटिविटी जो लेवल है, जो आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो भी सामने आने वाली है। चलिए अब देखते हैं कुछ कार्ड्स टैरो से, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और होने वाला है आपकी लाइफ में। फिर से एक कार्ड रह गया फ्रेंड्स, मुझे तो ये लेना पड़ेगा। ओके पहला ही कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का। फ्रेंड्स ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी डिसीजन लेने से पहले
कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा आती है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो और आप बहुत वक्त लेते हो कोई डिसीजन लेने में, वो भी मनी मैटर्स में, अपने वर्क लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ स्टक है तो फ्रेंड्स उस पर भी आप किसी को डायरेक्ट अपना मैसेज देने में बहुत हिचकिचाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना इम्प्रेशन खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ सामने वाले के सामने। सो शायद एक टाइम ऐसा आए जो वो पर्सन समझ जाए। सो फ्रेंड्स कोई भी पर्सन आपका माइंड नहीं पढ़ सकता। सो आपको अपनी चीज़ों की क्लैरिटी खुद से लानी होगी अगर आप ऐसे ड्यूअल सिचुएशन में फंसते हैं अपने वर्क लाइफ में। सो डेफिनेटली आपको अपना एक्सप्लेनेशन खुद ही देना पड़ेगा। आपका एक्सप्लेनेशन आपके बिहाफ में कोई और नहीं दे सकता। दूसरा कार्ड देखते हैं फ्रेंड्स। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ सन। आपको पता है जब टैरो रीडिंग में सन का कार्ड आता है तो ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आपके लाइफ में जो भी यू नो ऑब्स्टेकल्स हैं आपके हेल्थ को लेके, आपके वर्क को लेके, आपके ड्रीम्स को लेके, तो इन सब का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लाइफ में अप्रोच कर रहा है। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली अप्रैल वो मंथ है आपके लिए जहाँ पे आप जिस चीज़ में भी ग्रोथ चाह रहे हैं या डायरेक्शन चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली एक रूटीन में लाने वाले हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है आपके हेल्थ को लेकर। अगर मैं आपकी वर्क लाइफ की बात करूँ तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ये अप्रैल का मंथ। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ कब होगी तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ इस अप्रैल में ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको उसके हिंट मिलने डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्टे पॉजिटिव, जो भी होगा जैसा भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज पेज ऑफ वैंड्स। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज की वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आने वाला है। और एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपका साइन हो एरीज लियो सैजिटेरियस या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका साइन हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन। और आप जो डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ को लेकर वो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। सो हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे नॉक कर रही है उस पर ट्रस्ट रखें। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, राइट? सो अपने डिसीजंस लेने सीखे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है अप्रैल के मंथ में। The Hermit, ये कार्ड हमें डिफेक्ट करता है फ्रेंड्स की बाकी जो कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, आपका जो एक पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस और यू नो आइसोलेटेड, डीप थिंकिंग और मैं कह सकती हूँ सेल्फ डिपेंडेंट, इंट्रोवर्ट, ये जो सारे टर्म्स मैंने यूज़ किए ये आपको बहुत, आपका जो अदर हाफ है वो बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करता है। सो आपको अकेले रहना पसंद है, टाइम स्पेंड अपने साथ करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने में अच्छा नहीं लगता है लोगों को। हो सकता है आप इस चीज़ से थक चुके हो और आपको लगता हो कि नहीं बस अब हो गया, जिसे समझना है वो समझेंगे या समझेगा और बाकी मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हो सकता है आपके पास में कोई ऐसे इश्यूज रहे हों आपके लव या वर्क रिलेटेड जिसने आपको थोड़ी तकलीफ पहुंचाई है और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट मोड टू स्टे, जहाँ पे आपको यू नो खुद को इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है फ्रेंड्स कि आप आत्मनिर्भर हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के डिसीजन को सुनूं तो हो सकता है वो पर्सन मुझे वन आफ्टर अनदर फेवर्स मांगे जो कि शायद मैं फुलफ़िल ना कर पाऊँ। इससे अच्छा मैं खुद ही अपने डिसीजंस को लूँ और आगे बढ़ूँ। और आपको ट्रस्ट है कि ये जो लाइट आपने जलाई है अपने पाथ में चलने के लिए अकेले, आपको बिलीव है कि ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगी और डेफिनेटली ये ले जाएगी फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास आया है सन का कार्ड। सो अपने इस स्पिरिट को डेफिनेटली बना के रखें फ्रेंड्स, आप गलत नहीं हैं, ठीक है, आप गलत नहीं हैं।
नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास 10 of Pentacles का. सो अगर आप अपने जॉब को लेकर ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे जॉब का आउटपुट क्या होगा, मैं अगर करियर के बारे में सोचता हूँ कि हाँ मेरी जो करियर है उसमें मुझे कोई अभी तक कोई आउटपुट नहीं मिला, कोई डिसीजन नहीं मिला, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको ये मिलने वाला है. आप इतनी पेशेंस तो बना के रख सकते हैं अपनी लाइफ में. सो आपको ये बात बिल्कुल ये क्लैरिटी आएगी, आपके पास मनी आने वाला है, अबंडेंस आने वाला है आपका लाइफ. डेफिनेटली आप अप्रैल में समझ पाएंगे कि जी हाँ आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है. 2 of Swords जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. तो ये कार्ड हमें बताता है फ्रेंड्स कि अपने डिसीजंस को लेना सीखें. जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा था 2 of Pentacles और 2 of Swords कि आप अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है. तो आपको अपने इस एरिया पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सही से वर्क करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है. बहुत टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन होता है, हो सकता है आप ऐसे कंफ्यूजन के सिचुएशन में इसलिए हो क्योंकि आप हो सकता है किसी कार्मिक अकाउंट से डील कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके पास्ट के रिलेशनशिप, चाहे आपका वर्क हो, आपका करियर हो, वो सारे कार्मिक अकाउंट हो, यानी कि आपको कुछ सबक देने के लिए वो टाइम पीरियड आया हो और आपने उसे गलत वे में ले लिया. तो जो भी हमारे लाइफ में इंसिडेंट होते हैं जिससे हम खुद को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, जैसे आप पोस्टपोन भी कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ को पास्ट के बारे में सोचकर कि पास्ट में ऐसा हुआ है अभी ऐसा हुआ, तो जो भी होता है फ्रेंड्स वो हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लेंस करने के लिए होता है. जितने हम पास्ट की चीज़ों से और कार्मिक चीज़ों से सीख लेते हैं, सबक लेते हैं, वो हमारा रिकॉर्ड्स में क्लियर होता है और आगे हमारा रास्ता उतना ही ब्यूटीफुल होता है. नेक्स्ट कार्ड देखिए, मैं अभी बात कर रही थी पास्ट और कार्मिक अकाउंट की और कार्ड आ गया है डेविल का. ये कार्ड हमें बताता है, ये कार्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और ये कार्ड हमें डेफिनेटली बताता है फ्रेंड्स कि जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ, जिस वजह से आप अभी तक शायद कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं अपने वर्क और आपके करियर में, या फिर आपकी लव लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं है, सो क्योंकि आपको पास से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि फिर से मुझे वो धोखे ना मिल जाए. सो इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो भी होता है हमारे लिए सही होता है, बस शायद आपको ऐसा लगता हो कि सही वक्त पे नहीं हुआ, पर डेफिनेटली ट्रस्ट मी वक्त भी सही होता है. हम बाद में जाकर समझते कि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता. सो आप इस चीज़ को लेकर मत ज़्यादा सोचिए कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, बल्कि आप ये सोचिए कि इससे मुझे क्या सीखने को मिला. अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है क्योंकि सन का कार्ड आया है. नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स का. तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में जो है थोड़ी प्रॉब्लम थी और आपका दिल खाली था और आप ऐसा सोचते हैं कि कोई तो समझे, कोई मेरे जज्बातों को समझे, कोई मेरे को इतना चांस तो दे कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँ. ये भी आपके अंदर चलता है. जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि आप हो सकता है कैसे बताऊं मैं, आपका दिल बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको समझ पाते हैं. आपकी राशि हो सकती है पाइसीज हो, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लोग आपको जज करने लगते हैं, बट आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत काइंड हैं. लोग इस चीज़ को गलत वे में लेते हैं और जो आपको एक्चुअली अफेक्ट कर जाता है फॉर अ लॉन्ग रन कि मुझे इतना जज क्यों किया जा रहा है. सो अगर मैं इस एनर्जी की ओवरऑल बात करूँ, सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आपका दिल जीतने कोई डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है,
कार्मिक एनर्जी के एंडिंग का कार्ड है, सन का कार्ड है और डेफिनेटली पास्ट लाइफ से है। सो डेफिनेटली कोई ऐसा तो आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको अपना दिल देने भी आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास दी फूल का। सो अगर आप अपनी एनर्जी को हर्मिट से फूल की एनर्जी में चेंज करते, यानी कि सैड आइसोलेटेड टेंस से अगर आप अपनी एनर्जी को अभी बेपरवाह और भगवान पर विश्वास रखना और ये सोचना कि जो कुछ भी होगा मेरी लाइफ में बिल्कुल अच्छे के लिए होगा, अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में लाते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 110% आपकी लाइफ में जो ये सन है वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। सो आप अपने जो भी डिसीजन ले फ्रेंड्स थोड़ा सोचें इस बारे में। आप ज़्यादा इस चीज़ को नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा आप ना बहें तो आपका टाइम डेफिनेटली चेंज होगा। और अप्रैल वो मंथ है फ्रेंड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ कोई बदलाव आने वाला है। तो हमारे पास सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास मेजर अरकाना से कितने सारे कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। वाओ, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। और ये कार्ड हमें बताता है कि आपका डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स। हो सकता है अप्रैल में ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो और आपका अगर आप अब तक कार्मिक अकाउंट से डील कर रहे थे, आपके वर्क में आपके करियर में अगर सिर्फ कार्मिक अकाउंट आ रहे थे तो डेफिनेटली ये पर्सन, ये मेस जो आपकी लाइफ में थी, ये डेफिनेटली जाने वाला है और एक नई शुरुआत इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में होने वाली है फ्रेंड्स। बट सिचुएशन ये है कि आपको पेशेंसली चीज़ों को डील करना है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है। और जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पास से मूव ऑन नहीं करेंगे, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स का। और ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा रात को सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में कि जो कुछ भी है ऐसा क्यों है, ये पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या बुरा किया या फिर जो भी हो। फ्रेंड्स इस एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ऑफकोर्स आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आपको इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को हर्मिट मोड से फूल के एनर्जी में, यानी कि बिंदास, बेपरवाह और भगवान पे ट्रस्ट रखने का बहुत ज़रूरत है। मैं निकालूंगी एक लास्ट कार्ड, फिर हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक, फिर हम देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। चलिए एक और कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपके कार्ड्स को बोल रही थी देखकर कि आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप ले नहीं रहे, तो अब जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है उसे एक्सेप्ट करें फ्रेंड्स। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा डेफिनेटली ये आपके लिए फ्रूटफुल टाइम होगा। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है एस ऑफ कप्स। हमारे पास पास्ट लाइफ का भी कार्ड था, यानी कि सिक्स ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स पास्ट लाइफ से जो आ रहा है, हो सकता है अपना दिल देने आपको आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। सो अपने आप पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या कार्ड्स आ रहे हैं और ये कार्ड क्या बताते हैं कि अप्रैल में आपको क्या गाइडेंस मिलता है। ऐसे तो हमारे पास काफ़ी अबंडेंस के कार्ड हैं फ्रेंड्स। आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपका एक साइकिल चेंज होने वाला है, आपको बस खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप दूसरों को मत बदलिए, उनके लिए है ना डिवाइन, आप बस अपने बारे में सोचिए। जिन्हें आना होगा वो आएंगे और जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे फ्रेंड्स, ये आपके हाथों में नहीं है, राइट? ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जी हाँ बिल्कुल, आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि आप क्या सोचते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते। सो आपको हर चीज़ का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं कह सकती हूँ कि कई लोग इसमें से ऐसे हैं जो पाइसीज है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो डिसीजन ले ही नहीं सकते। वो कोई भी डिसीजन लेते टाइम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो आपको ना अपनी एस्पेक्ट, मतलब देखने का नज़रिया बदलना होगा। आप बहुत छोटे चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि एक स्मॉलर एस्पेक्ट को देख रहे हैं, आप बड़ी चीज़ों को देखें। आप ये देखें ना कि इसके बाद हो सकता है दुनिया और बड़ी हो,
आप एक ही चीज में गोल गोल घूम रहे हो, और अगर आप इसमें गोल गोल घूमते रहे तो आपकी साइकिल एंड नहीं होगी फ्रेंड्स, आपको इसे एंड करना आप ही के हाथ में है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, अभी मैं आपको कह रही थी लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आप जहाँ पे गोल गोल घूम रहे वहाँ से घूमना छोड़े और आगे निकले। आप आगे नहीं निकलेंगे तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉब्लम करेगी एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप इसी साइकिल में और पास्ट में रहकर कंफ्यूजन में रहकर ही घूमते रहें तो कोई भी आउटकम आपका नहीं निकलेगा। बॉटम ऑफ द डेक से आया है अ टाइम फॉर हीलिंग। बिल्कुल आपको हील होने की जरूरत है फ्रेंड्स। आप अपने, हो सकता है आपके लाइफ में जो पास से पर्सन आने वाले हैं ये एक हीलर हो, ये पर्सन शायद आपको समझे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें जो भी एडवाइस करते हैं उससे हमें सही रास्ता ही मिले। और हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी गलत लोग को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी मान लेते हैं। आप अभी किसी कंक्लूजन में मेरे हिसाब से आपको जंप नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स कि ये पर्सन इसीलिए आया है क्योंकि माइट बी दिस पर्सन इज माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम। आप हर पर्सन को एज एन इंडिविजुअल लें, कुछ समय बिताएं और जानने की कोशिश करें कि वो पर्सन का एम क्या है। तुरंत आप किसी कंक्लूजन में मत पहुंच जाए फ्रेंड्स, और अगर आप कंक्लूजन में पहले ही पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स तो हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप डेस्टाइंड है वो आपकी लाइफ में ना हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ फाइनल एडवाइस डिवाइन के तरफ से। एंजल मैसेजेस हैं ये, और एंजल आपको, जैसे कि हमने मून के मैसेजेस देखे, अब हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल। पहला ही कार्ड आया है डू द वर्क, यानी कि आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। आपका होमवर्क तो आप ही करेंगे, आपका होमवर्क तो कोई और नहीं कर सकता। सो अपना काम खुद कीजिए, लोगों के ऊपर रिलाय मत रहिए, डिपेंडेंट मत रहिए कि लोग आपको समझाएंगे तो आप करेंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे तो आप करेंगे। जी नहीं, आपको अपना काम खुद करना है तभी आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी और ये ब्लेसिंग और ये अबंडेंस आएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्रेंडशिप एंड यूनियन। देखिए, जब ये कार्ड आया था पहला पास्ट लाइफ का, तभी मैंने बोला था कि आपके पास्ट लाइफ से कोई ऐसे पर्सन आ रहा है जो आपके कोई सोल ग्रुप के फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। सो डेफिनेटली फ्रेंडशिप और रीयूनियन है अप्रैल के मंथ में। हो सकता है आपके किसी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे हो, कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो, या फिर आप कहीं घूमने जाएं, बहुत कुछ हो सकता है फ्रेंड। सो अप्रैल इज अ ब्लेस्ड मंथ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कार्ड आया है हमारे पास फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को जज करना बंद करें फ्रेंड्स, पास से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप पास से नहीं निकलेंगे तो आपके लिए ब्लेसिंग्स कैसे आएगी, राइट? हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया है एंजेलिक प्रोटेक्शन। ऑफकोर्स एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो साइंस दे रहे होंगे। हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ सुने फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। हो सकता है कि आप बाहर निकले, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप देखें कि कार के विंडो के बगल से एक बटरफ्लाई चली गई, या फिर आपने जब अपना फ़ोन जस्ट ऑन किया तो आप अपने लॉक स्क्रीन पे कोई एंजल एक नंबर देखे लाइक 333 या फिर 1010 111 या 1111। सो ये सारे साइंस होते हैं कि हाँ एंजल आपके पास हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए अपने आप में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसे लाते हैं डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय।